बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हुज़ैब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मोंटेनेग्रो के मतलब, यानी कि मोंटेनेग्रो आप बग़ैर वीज़ा के किस तरह जा सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा मोंटेनेग्रो के मतलब बता दूँ। मोंटेनेग्रो जिसका कैपिटल है पोदगोरिका, और इसकी जो पापुलेशन है वो 6,22,000 नफूस पर मुश्तमिल है। इतनी ज़्यादा इसकी पापुलेशन नहीं है, और ये बेसिकली अपना बॉर्डर शेयर करता है बोस्निया, सर्बिया, कोसोवो और अल्बानिया के साथ। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उनमें दो तीन लैंग्वेज आती हैं, अल्बेनियन भी है, बोस्नियन लैंग्वेज भी है, और जो है मोंटेनेग्रो की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। तो इसलिए यहाँ पे तीन जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बोली जाती हैं। तो मोंटेनेग्रो अगर आप जाना चाहते हैं बग़ैर वीज़ा के, तो उसके लिए कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहाँ जाने के लिए आपको किस कंट्री से फ़्लाई करना पड़ेगा और किस तरह करना पड़ेगा, और जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपको बता देता हूँ। मेन सबसे पहले जो है मोंटेनेग्रो बग़ैर वीज़ा के जाने के लिए जो है, आप अगर दुबई में रहते हैं फर्ज़ करें, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई की किसी भी स्टेट में रहते हैं, चाहे तो आप अबू धाबी, शारजा, दुबई वगैरह में रहते हैं, और वहाँ पर आप जो है वर्क परमिट पर हैं, आपके पास यानी काम का वीज़ा है, वर्क वीज़ा है। अगर आप एज ए टूरिस्ट गए हैं तो उनके लिए ये नहीं है, और अगर आप एज ए वर्क वहाँ पर रह रहे हैं, वर्कर हैं, काम करते हैं वहाँ पर, तो फिर आप जो है वहाँ से जा सकते हैं। वहाँ से आप किस तरह जाएंगे, सबसे पहले आपके पास आपकी रिटर्न एयर टिकट होनी चाहिए, और इसके अलावा कंफर्म होटल की बुकिंग हो जो कि मोंटेनेग्रो में आपने करवाई हो। रिटर्न एयर टिकट और मोंटेनेग्रो में होटल की बुकिंग, ये कंफर्म चाहिए, ठीक है। ये जब दोनों चीज़ें आपके पास हो जाएंगी तो फिर जो है आप यानी कि वहाँ से दुबई से या अबू धाबी से, वहाँ से आप जो है फ़्लाइट पकड़ के मोंटेनेग्रो जा सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों के पास दुबई का काम का परमिट है, वर्क परमिट है, वो लोग जो है दुबई से फ़्लाई करके मोंटेनेग्रो बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं। वैसे तो आपको पता है कि मोंटेनेग्रो का वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि मोंटेनेग्रो भी जो है वो कॉन्टिनेंट यूरोप में आता है, लेकिन उन्होंने ये फैसिलिटी दी हुई है। जिस तरह के जॉर्जिया में भी आप बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं, अगर आप यानी कि दुबई से अगर आप फ़्लाई करते हैं, वर्क परमिट अगर आपके पास है दुबई का, इसी तरह आप मोंटेनेग्रो भी जा सकते हैं अगर आपके पास वहाँ का वर्क परमिट है दुबई का। तो आप ये आराम से जो है अपने होटल की जो है वो कन्फर्मेशन ले लें, और एयर टिकट जो है रिटर्न वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं। तो अभी बाकी ये है कि आपका वैलिड पासपोर्ट तो डेफ़िनेटली आपके पास ही होगा, और इसके लिए कोई और मज़ीद इतनी लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। थोड़ा सा कैश आप अपने पास रख लीजिएगा, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो वो भी साथ में ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जब आप एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो वहाँ की इमिग्रेशन डेफ़िनेटली आपसे कुछ सवाल करेगी। उनके मतलब आपको ऑलरेडी पहले से पता होना चाहिए कि आप मोंटेनेग्रो क्यों जा रहे हैं, मोंटेनेग्रो में आपने किस जगह का विज़िट करना है, कौन सा आपका प्लान है, कितने दिन आपने रुकना है, किस होटल में रुकना है, कौन कौन सी जगहों का विज़िट करना है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है जो बंदा ऑलरेडी गूगल से जो है फाइंड आउट आप कर सकते हैं, कोई भी बंदा हो। तो उसके लिए जो है वो आपको वहाँ जाने से पहले ये सारा अपने आप को प्लान बना के तैयार कर लेना, ताकि आप वहाँ पे जाएं तो इमिग्रेशन को आप किस तरह फेस करेंगे। तो वहाँ से इतनी लंबी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, जो मैंने आपको बतानी थी वो बता दिए, आप आराम से जो है वहाँ पर जा सकते हैं। मोंटेनेग्रो का विज़िट कीजिए, खूबसूरत कंट्री है, लोग बड़े अच्छे हैं। बाकी यह है कि अगर आपका मज़ीद कोई ऐसा सवाल हो जिसकी आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।